अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू करंट ट्यूटोरियल्स। अच्छा, मैं वकास अफसल जीसीटी रावलपिंडी से आपसे मुखातिब हूँ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एसोसिएट इंजीनियरिंग क्या होती है और प्री इंजीनियरिंग क्या होती है। ठीक है, इन दोनों के आपस में एक दूसरे के ऊपर प्रोज एंड कॉन्स चेक करेंगे। देखें, प्री इंजीनियरिंग FSC प्री इंजीनियरिंग जैसे ज्यादातर आपको पता ही है कि 2 साल की होती है ना। प्री इंजीनियरिंग में आप कैप करते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के इलेक्टिव सब्जेक्ट्स चूज करते हैं और उन सब्जेक्ट्स में आप अपनी क्या करते हैं बेसिक स्किल्स को, इंजीनियरिंग स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो उसके बाद आप किसी भी साइट पे जा सकते हैं, इंजीनियरिंग की कोई भी फील्ड चूज कर सकते हैं। और इसके अलावा इस ऑन द अदर वे अराउंड आप चेक करें, एसोसिएट इंजीनियरिंग जो होती है उसमें आप 3 साल का डिप्लोमा करते हैं। जब 3 साल का डिप्लोमा करते हैं तो आपका 1 साल एक्स्ट्रा लगता है ना। ठीक है ना, जब 1 साल आपका एक्स्ट्रा लगता है तो आपको मतलब डिग्री ये समझ लें कि आपको 1 साल फालतू पढ़ना पड़ता है। और इसका फायदा ये होता है कि आप देखिए, आप स्टार्ट से ही प्री प्लान्ड वे में एक अपना कैरियर डिसाइड कर लेते हैं, अपने आप को एक स्पेसिफिक साइट पे लगा लेते हैं। जबकि FSC प्री इंजीनियरिंग में आप अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रहे होते कि आपने करना क्या। तो पहला फायदा तो FSC का ही हो गया कि ये 2 साल की होती है जबकि DAE जो है वो 3 साल का होता है। ठीक है, दूसरी तरफ देखें कि FSC के बाद FSC का फायदा ये होगा कि इसके बाद आप जा सकते हैं किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड में, जबकि DAE या एसोसिएट इंजीनियरिंग के बाद आप स्पेसिफिक उसी फील्ड में या उसी के साथ रिलेटिव फील्ड में जा सकते हैं। तो ये FSC के यही 2 फायदे हैं। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए, देखें जो होती है डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग, आप 3 साल का प्रॉपर प्री प्लान डिप्लोमा करते हैं। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ आपको टेक्निकल स्किल्स नहीं सिखाई जाती हैं, आपको प्री इंजीनियरिंग की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जैसे मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स और इंग्लिश वगैरह आपको वो भी सिखाई जाती है। तो इसका एक पहला फायदा तो ये होता है कि आप स्टार्ट से ही टेक्निकल साइड पे चले जाते हैं। जब आप टेक्निकल साइड पे चले जाते हैं तो आप प्रोफेशनल हो जाते हैं। ठीक है, इसके लिए 3 साल का डिप्लोमा अगर आपने करना हो तो आप ज्यादा बेहतर है किसी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी GCT, आप अपने शहर का नाम लिखें, मतलब जिस मैं रावलपिंडी में हूं तो मैं GCT रावलपिंडी गूगल करूंगा, गूगल मैप के ऊपर जाके तो मुझे इसकी लोकेशन मिल जाएगी। इसी तरह आप अपने शहर के अंदर GCT ढूंढ सकते हैं। तकरीबन पाकिस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक GCT है। ठीक है, ऑलमोस्ट, तो जहां 3 साल का एक हर फील्ड में डिप्लोमा करवाया जाता है। तो डिप्लोमे की डिफरेंट फील्ड होती हैं, जैसे हमने देखें इससे पहले हमने डिस्कस किया था इंजीनियरिंग की फील्ड, इंजीनियरिंग की जैसे जैसे वो फील्ड होती हैं बिल्कुल उसी तरह डिप्लोमा की भी फील्ड होती हैं। ठीक है, तो इसके फील्ड देख लेते हैं। देखें, इसमें आप बेसिकली लोग इलेक्ट्रिकल में वो लोग करते हैं जो पावर वाली साइड पे इंटरेस्टेड होते हैं, इसी तरह कंप्यूटर में करते हैं लोग, बायोमेडिकल में किया जाता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक्स में करते हैं, इसी तरह मैकेनिकल में करते हैं, मेटलर्जी में डिप्लोमा होता है, और आप इसके अलावा पेट्रोलियम में डिप्लोमा किया जाता है। ठीक है, टेलीकॉम में डिप्लोमा करते हैं लोग। तो डिफरेंट फील्ड्स हैं, इसी तरह HVACR, ऑटो एंड डीजल। ठीक है, और मतलब हर एक जिस तरह का आपका इंटरेस्ट है उसी तरह की फील्ड आपको मिल जाती है डिप्लोमे में। तो इसके लिए डिप्लोमा करने के लिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट आपकी आपके मैट्रिक के मार्क्स होते हैं। ठीक है, ये मैट्रिक के मार्क्स की कैलकुलेशन ये लोग यहाँ पे इस तरह की जाती है कि आपके जो साइंस सब्जेक्ट जैसे होते हैं, आपने मैट्रिक में क्या पढ़ा हुआ, अगर आपने कंप्यूटर के साथ किया हुआ है तो कंप्यूटर के, मैथ के, इंग्लिश के और फिजिक्स के नंबर काउंट किए जाते हैं। ठीक है, अगर बायोलॉजी पढ़ी हुई है तो बायोलॉजी इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, 3 साइंस वाले और चौथा आपका इसमें बायोलॉजी काउंट नहीं होता, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश, इन 4 सब्जेक्ट्स की बेस पे आपका मेरिट बनता है। तो इन 4 सब्जेक्ट्स के नंबरों की बेस पे डिसाइड किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आप जैसे ये देखिए ऑटो एंड डीजल की लैब में आपको दिखा रहा हूं, अगर आप गाड़ियों में इंटरेस्टेड हैं तो ऑटो एंड डीजल में करेंगे, और अगर आप कंस्ट्रक्शन में हैं तो सिविल में करेंगे ना।
सिविल का डिप्लोमा है कि अपनी मतलब कंस्ट्रक्शन सऊदी अरब वाली साइड पे जाने वाले लोग ज्यादातर सिविल या इलेक्ट्रिकल में करते हैं। आप पाकिस्तान में जॉब करनी हो तो HVAC जो हाई वोल्टेज एयर कंडीशनर और इसमें उसमें काम करते हैं लोग, इसी तरह ऑटो एंड डीजल में भी किया जाता है। अच्छा, डिप्लोमा करने के लिए आपको क्या चीज़ आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी टेक्निकल स्किल स्ट्रांग होनी चाहिए, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए एक बच्चे ने ऑटोमेशन लाई है, होम ऑटोमेशन, तो ये घर की चीजें ऑन ऑफ कर रहा है उसी की बेस पे। अच्छा, क्योंकि मेरा ताल्लुक इलेक्ट्रिकल फील्ड से है तो मैं इलेक्ट्रिकल की लैब को विजिट कराता हूँ। ठीक है, ये देखिए एनालॉग अंडर वोल्टेज रिले लगी हुई है। ठीक है, और ये रिले का ट्रेनर है। इसी तरह ट्रांसमिशन सेक्शन में आप जहाँ पे देखें आपको डिफरेंट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की डिवाइसेस मिलेंगी। ठीक है, इसी तरह ये आपको ये साइड पे ये ट्रांसफार्मर पड़े हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पे पड़े होते हैं, इनसे उठा के वर्क बेंच से इसके सामने आपको नजर आएंगी। ठीक है, ट्रांसफार्मर के अलावा मोटरें हैं डिफरेंट किस्म की। ठीक है, इंडक्शन मोटर पड़ी होती है, DC मोटर्स पड़ी होती हैं। ठीक है, वो ड्रिल मशीन सामने आपको नजर आ रही होगी। इसी तरह ये देखें बकल्स रिले का ट्रेनर पड़ा हुआ है। तो गवर्नमेंट के पास देखें काफी ज्यादा फंडिंग होती है, तो इस वजह से गवर्नमेंट सेक्टर में लोग प्रेफर करते हैं। ठीक है, दूसरा ये कि गवर्नमेंट में फैकल्टी ज्यादा क्वालिफाइड होती है एज कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर के, क्योंकि गवर्नमेंट अपनी फंडिंग रखती है। जैसे अभी देखें गवर्नमेंट कॉलेजेस वाले जर्नी के साथ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को ना किसी तरह GCT के स्टूडेंट्स को जर्मनी में ट्रेनिंग करवाई जाए। तो इसी तरह आर लैब के अंदर उसका एक सेफ्टी प्रिकॉशन रूल लगा होता है, उसमें जो प्रैक्टिकल करवाने होते हैं उनकी सारी लिस्ट लगी होती है। ठीक है, ये पावर लैब थी जिसमें ट्रांसफार्मर के ट्रेनर वगैरह आपने देखे। इसके अलावा ये देखें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की वायरिंग की लैब है, तो वायरिंग की लैब के अंदर आपको यहाँ पे क्या कहते हैं वायरिंग का प्रोजेक्ट वगैरह बनाने के लिए स्टूडेंट को एक ओपन स्पेस दी जाती है ताकि उसमें काम करे। इलेक्ट्रॉनिक्स की 2-3 लैब्स होती हैं। ठीक है, इसी तरह ये देखें मीटर्स पड़े हुए हैं, एनालॉग मीटर्स होते हैं, डिजिटल मीटर होते हैं, एम्पेयर मीटर और वोल्ट मीटर डिफरेंट रेंज में पड़े होते हैं। वो आपको सामने एक स्टूडेंट का बनाया हुआ प्रोजेक्ट नजर आ रहा होगा, सारे इक्विपमेंट्स उस पर लगा के स्टूडेंट ने क्या किया डिस्प्ले कर दिए। ठीक है, ये भी इसी तरह स्टूडेंट ने बनाया हुआ। तो ये बॉक्स जो नीचे पड़े हुए हैं इनके सारे इक्विपमेंट सामान वगैरह पड़ा होता है, तो इसके बाद क्या करते हैं इसको खोल के सामान ऊपर रख के ताकि स्टूडेंट जो है ना उनको प्रॉपर तरह से फैसिलिटेट किया जा सके। और इसके अलावा गवर्नमेंट कॉलेजेस में ये फायदा होता है कि आपको ना ओपन हाउस काफी मिलते हैं, मतलब जॉब ऑफर्स वगैरह होती हैं। ये देखें टेक्निकल डे के ऊपर ये एक स्टूडेंट ने स्मार्ट हेलमेट बनाया है। ठीक है, इसके ऊपर ये देखें इसने काम किया बच्चे ने। तो इसी तरह ये देखें प्रोजेक्ट लैब है, प्रोजेक्ट के सामान करने के लिए स्टूडेंट को काम करने के लिए एक स्पेसिफिक, मतलब काफी गवर्नमेंट सेक्टर में काफी स्पेस होती है आपके पास काम करने की, काफी चीज स्टूडेंट के देखें प्रोजेक्ट है। ठीक है, टेस्ला कॉयल बनाया है इस बच्चे ने। इसी तरह ये देखें ट्रांसफार्मर का इसने पूरा मॉडल बनाया है ना। तो गवर्नमेंट सेक्टर में आपके पास काफी चांसेस होते हैं, स्टूडेंट को अच्छा फैसिलिटेट किया जाता है, फंडिंग होती है मतलब गवर्नमेंट के डिफरेंट अदारों से, तो उस वजह से स्टूडेंट ज्यादा बेहतर अंदाज में ट्रेन हो सकते हैं। हाँ, डिप्लोमा वही लोग करते हैं जो पहले से डिटरमिंड होते हैं। ठीक है, जिन्होंने प्लान किया होता है कि हमने ये काम करना है। अगर आप प्री प्लान नहीं है, आप सोच रहे हैं कि आप क्या करेंगे, तो फिर आप अपना टाइम लें, आप फिर FSC कर लें। लेकिन अगर आप अपना टाइम प्रॉपरली यूटिलाइज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं भी स्किल सीखना शुरू कर दूं, अपने आप को इफेक्टिव वे में यूटिलाइज करूं, तो अपना कोई ऐसा काम करूं कि जिससे मुल्क का भी फायदा हो और इकोनॉमी भी ग्रो करे, तो डिप्लोमा करने वाले लोग जो हैं वो इंजीनियरिंग में उनको ये फायदा होता है कि उसमें पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें वाटर लेवल डिटेक्टर बनाया स्टूडेंट ने, डिफरेंट लेवल के ऊपर जाके डिफरेंट लाइट्स ऑन हो रही हैं। तो अगर आप इस तरह करना चाहते हैं तो उसमें डिफरेंट ऑप्शन होती हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में आपको वो भी मिल जाता है कि अगर आप सुबह पढ़ना चाहते हैं या आप आफ्टरनून में पढ़ना चाहते हैं, देखिए इंस्टेंट हीटर बनाया इसने, तो आप आफ्टरनून सेशन में भी ले सकते हैं एडमिशन। लेकिन आफ्टरनून सेशन की थोड़ी सी फीस ज्यादा होती है क्योंकि वो सेल्फ फाइनेंस तकरीबन सिस्टम होता है।
ये देखें, एक स्टूडेंट ने रेन अलार्म सिस्टम बनाया कि इसके ऊपर जब बारिश पड़ेगी तो इसका अलार्म चलना शुरू हो जाएगा। तो इस वजह से गवर्नमेंट सेक्टर में लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं। हाँ, इसमें एक और चीज भी है कि आपने एडमिशन की टाइमिंग का ख्याल रखना है कि इनके एडमिशन जल्दी बंद हो जाते हैं। तो अगर आपने गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो ये देखिए, ओपन हाउस हो रहा है, जॉब फेयर हो रहा है ना। अगर आपने गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आप मैट्रिक के रिजल्ट से पहले ही कोशिश करें कि कुछ जाके कॉलेज में प्रोस्पेक्टस लेके प्रॉपर तरह से अप्लाई कर दें। वहां पे हर कॉलेज में डिफरेंट टेक्नोलॉजी ऑफर की जा रही होती हैं, तो अपनी पसंद की टेक्नोलॉजी में आप एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे ओपन हाउस वगैरह के अलावा ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी होती है, इसके अलावा ट्रिप्स वगैरह ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। मतलब गवर्नमेंट, आपको पता ही है पढ़ाई के, मतलब फुल टाइम तो बंदा पढ़ाई नहीं करता, तो उसके अलावा आप मतलब स्टूडेंट को रिलैक्स करने के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज भी होती हैं, स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं, गॉलाज होते हैं। तो गवर्नमेंट के पास क्योंकि ज्यादा फैसिलिटीज होती हैं, तो इसलिए ये देखें बक्का जिले के ऊपर स्टूडेंट काम कर रहा है, ये कोई वो बना रहा है, क्या नाम है, इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई प्रोजेक्ट बना रहा है, मीटर इसने खोला हुआ है, इसी तरह डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट्स पड़े हुए हैं, ये खोल के मैंने आपको दिखाए ताकि आपको इसमें से कुछ ज्यादातर आपको पता ही होगा कौन कौन से होते हैं, क्योंकि स्टूडेंट प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं तो सारे स्टूडेंट को इशू किए जाते हैं, तो इनका प्रॉपर गवर्नमेंट में रिकॉर्ड होता है कि कौन सा प्रोजेक्ट कहाँ पे, सामान कहाँ पे लगा। तो आप कोशिश करें कि किसी गवर्नमेंट कॉलेज को विजिट करें तो आपका आपको ज्यादा पता लग जाए, ठीक है। तो मेरा मकसद आपको इन्फॉर्म करना था कि आप मतलब प्रॉपर तरह से अपनी वो कर लें, प्लानिंग कर लें फ्यूचर की, कि आप क्या करना चाहते हैं। तो आप देख लें अपने नजदीक में, कोशिश करें गवर्नमेंट कॉलेज को विजिट करके एटलीस्ट एक दफा प्रोस्पेक्टस लेके, तो वहां पे अप्लाई नहीं करना तो कम से कम देख तो लें कि वहां हो क्या रहा है, हो सकता है आपके लिए कुछ ही ऑप्शन हो, क्योंकि इनके पास 3 साल के अलावा शॉर्ट कोर्सेज भी होते हैं, आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। करंट ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है, अपना ख्याल रखें, ठीक है, फी अमान अल्लाह।